यूनुस अलैहिस्सलाम से एक खता जरूर हुई, लेकिन उन्होंने उसका एतराफ किया तो अल्लाह सुबहानु ताला ने उनको दोबारा चुन लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए ये कहना जायज नहीं कि मैं यूनुस बिन मत्ता से बेहतर हूँ, कि मैंने वो गलती नहीं की जो उनसे हो गई थी। तो ये यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुन्नून की दुआ जब वो मछली के पेट में थे, यानी ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, जब भी कोई मुसलमान किसी मामले में इन अल्फाज के साथ अपने रब से दुआ करे, वो दुआ उसके लिए जरूर कबूल होगी। यानी ये दुआ की कबूलियत का जरिया भी है। ये दुख दूर करने वाले कलिमात हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि जब तुम में से किसी आदमी को दुख और परेशानी और दुनिया की आजमाइशों में से कोई आजमाइश आए तो वो इस दुआ को पढ़े तो उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी? तो आपसे कहा गया, क्यों नहीं? आपने फरमाया, वो मछली वाले की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। तबरी कहते हैं कि सलफ़े सालेहीन इन अल्फाज के साथ दुआ मांगते थे और इस दुआ को दुआए कर्ब कहा करते थे, यानी तकलीफ दूर करने वाली दुआ का नाम देते। और ला इलाहा इल्लल्लाह जो है, ये अफजल तरीन जिक्र है, उसके जरिए भी बंदे को परेशानियों और गमों से छुटकारा मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम कुछ मांग नहीं रहे, सिर्फ अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं और अपनी खता का एतराफ कर रहे हैं। तो याद रखिए, अहले इल्म कहते हैं कि दुआ की दो किस्में होती हैं, एक दुआए सना और दूसरी दुआए तलब। एक है अल्लाह ताला की तारीफ पर मबनी दुआ और दूसरी दरखास्त, यानी कुछ मांगना अल्लाह सुभान व तआला से या तलब करना। तो दुआए सना क्या होती है? जैसे ये है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, और जैसे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये अरफा के दिन की दुआ है। इसी तरह अय्यूब अलैहि सलाम ने जो दुआ की थी, अन्नी मस्सनी अदुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, ये भी अल्लाह ताला की हम्द सना है। और दुआए तलब क्या है? जिसमें इंसान अल्लाह का जिक्र और तारीफ करके उससे कुछ मांगता है, यानी स्पेसिफिक दुआ करता है। तो इस दुआ में एक तरफ ला इलाहा इल्ला अंता सुभाना का है और दूसरी तरफ अपनी खता का इर्तिकाब है। याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दुआ की कोई महदूद गिनती वारिद नहीं हुई। यूनुस अलैहि सलाम के बारे में भी नहीं पता चलता कि उन्होंने कितनी दफा इसको पढ़ा, लेकिन उन्होंने एक दफा भी जब उसको पढ़ा होगा पूरी तड़प के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, तो अल्लाह सुबहान तआला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। तो इसलिए लाजिम अपने ऊपर ना कीजिए कि 1,25,000 दफा ही जरूर इसको पढ़ना है या 100 दफा ही जरूर पढ़ना है। जितनी दफा चाहे आप पढ़ें, चाहे 1,00,000 दफा पढ़ें, चाहे 100 दफा पढ़ें, लेकिन पाबंदी इसकी जरूरी नहीं कि इतना पढ़ेंगे तो दुआ कबूल होगी। असल चीज है वो जज्बा, वो इखलास, वो शौक, वो तड़प जिसके साथ इंसान दुआ मांगता है। तो इस दुआ के ऊपर आप गौर करें तो इसमें सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह है, जो कमाल तौहीद का बयान है, और दूसरा फिर सुभाना का है, जो कमाल पाकिजगी का इजहार है कि अल्लाह ताला हर ऐब और बुराई से पाक है, और तीसरे अपनी गलतियों का एतराफ है। यानी ये तीन ऐसी बेहतरीन चीजें इकट्ठी हो गई हैं कि जिसकी वजह से दुआ कबूल होती है। और फिर इसमें इन चीजों को दरअसल वसीला बनाया गया है, अल्लाह की तौहीद का इकरार करके इसको ला इलाहा इल्लल्लाह को वसीला बनाया गया, तस्बीह पढ़कर वसीला बनाया गया, इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन अपनी उबूदियत का इकरार किया गया और अपनी गलती का इतराफ किया गया। तो ये सब दरअसल दुआ की कबूलियत के लिए एक वसीला बन गया। इब्ने कय्यिम कहते हैं, जहां तक मछली वाले की दुआ का ताल्लुक है तो इसमें रब अज़्ज़ा व जल्ला की कमाल तौहीद, उसकी कमाल पाकिजगी पाई जाती है, और इसमें बंदे का अपने जुल्म और गुनाह का इकरार भी है, और ये मुसीबत परेशानी और गम के इलाजों में सबसे मुअस्सर इलाज है, और हाजतों को पूरा करने के लिए अल्लाह सुबहान तआला तक पहुंचने का सबसे मुअस्सर वसीला है। और यहाँ पर तौहीद की अकसाम का भी एक तरह से जिक्र है और इकरार भी है। तौहीद का इकरार जो है, ये दरअसल इंसान को रब के आगे झुका देता है, इससे अल्लाह ताला की अजमत का एहसास इंसान के दिल में आता है और
پھر تسبیح پڑھ کر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انتہائی پاکیزہ قرار دیتا ہے، جو کہ اس کے شایان شان ہے، اور اپنے اوپر غلطی کو لیتا ہے اور خود اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لطیف طریقے سے ظلم پر معافی کی درخواست ہے. انہوں نے اپنی ذات پر اپنے ظلم کا ذکر کیا، جو ظلم کی تیسری قسم ہے نا، یعنی ظلم اور انسان کا اپنا نفس. تو یاد رکھیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا حاجات پوری کرنے کا سب سے افضل دروازہ ہے. اللہ عظیم ہے، کریم ہے، اس کے آگے مسکین بن جائیں، اس کے آگے فقیر بن جائیں، اور ساری قوتوں کا مالک، قدرت کا مالک اسی کو سمجھیں، اور پھر اپنے رب کو تڑپ کر پکاریں، تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، غم دور ہو جائیں گے، حاجات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ.